किसी चीज को लेने से अगर मरीज इनकार कर रहा है तो उसको जबरदस्ती देना भी नहीं चाहिए। आपको लगे कि भाई ये चीज के लिए बड़ी फायदे मिलती है, अगर दवा है तो अलग चीज है, दवा नहीं है और जबरदस्ती आप चाहें कि इसको खिला दें, कहना नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो जबरदस्ती नहीं पिलाना चाहिए उसको। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6886। अब आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हम लोगों ने जबरदस्ती आप सल्लम को कुछ पिला दिया, यानी आपको पिलाने जा रहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं मत पिलाओ मत पिलाओ, तो फकुलना कराहियतल मरीज लिद दवा, यानी कुछ दवा टाइप की कोई चीज थी। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे नहीं पीना, तो साहबा ने क्या कहा, भाई ये तो हर मरीज कहता है कि मुझे नहीं पीना है, ऐसा तो नहीं कि यहां भी नबी की हमें इताअत करनी है। तो नबी हैं ठीक है, लेकिन इस वक्त आप बीमार हैं और बीमार तो बोलता है कि मुझे नहीं लेना है, इसलिए जबरदस्ती पिला दिया। बाद में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हुए तो सबको खड़ा किया, कहीं सबको जबरदस्ती दवा पिलाओ जिन लोगों ने मुझे पिलाया था। हाँ इसमें एक को छोड़कर, कौन है, गैर अब्बास, अब्बास रजी अल्लाह तआला उनको छोड़कर जिन जिन लोगों ने पिलाया था उन सबको पिलाया। ये क्या बात हुई जबरदस्ती किसी को पिला दो? इस्लाम में कहीं कहीं है ना कि मतलब उस चीज का बदला उसी जैसा होता है, खून का बदला खून है, आंख फोड़ दिया तो आंख फोड़ो, हाथ काट दिया तो उसका हाथ काटना, गर्दन काटा तो गर्दन काटना, तो दवा पिलाया तो इसको भी दवा पिलाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे ये दवा पिलाई ना उन सबको पिलाओ, तो सबको पिलवाया। तो मतलब इसमें तालीम यह है इस हदीस में कि जबरदस्ती कोई चीज नहीं पिलानी मरीज को।